सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। साहब, अब हम करते हैं अकबर के बारे में। हमने पीछे कहाँ तक किया था? सूर्यवंश तक किया था। अब हम करते हैं अकबर, जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो, करते हैं अकबर। अकबर, पहला प्रश्न है कि अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में। सर, कहां पर हुआ था? अमरकोट में हुआ था। कहां पर है? अमरकोट में। अमरकोट कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है सर। अगला प्रश्न है कि अकबर राजा कब बनता है? अकबर राजा कब बनता है? 1556 में बनता है। और कब तक रहता है? 1605 तक रहता है। और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है किस रोग के कारण? पैचिस रोग के कारण। पैचिस रोग के कारण। ठीक है सर। अगला है कि अकबर की माता का नाम क्या है? अकबर की माता का नाम क्या है? हमीदो बानो बेगम। हमीदो बानो बेगम किसकी माँ का नाम है? अकबर की माता का नाम है। और इसके पिता कौन है? इसके पिता कौन है? हुमायूं। कौन पिता इसके? हुमायूं है। ठीक है सर। अकबर के सेनापति कौन है? अकबर के सेनापति कौन है? बैरम खां है। कौन है साहब? बैरम खां है। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है कि सूरदास, सूरदास किसके समकालीन है? सूरदास किसके समकालीन है? किसके? अकबर के। ठीक है सर। अकबर कहाँ के? अकबर नहीं साहब, सूरदास कहाँ के हैं? सही नामक गांव के। सही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। आपसे पूछा जाएगा सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सही नामक गांव में। सही नामक गांव कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। F4 फरीदाबाद। ठीक है सर। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 में हुआ था। सर, इसकी मृत्यु कब हुई? जन्म तो हो गया, 1478 में मृत्यु बताओ, इसकी मृत्यु कब हुई? 1583 में। 1583 में ये जन्म है, ये मृत्यु है। ठीक है सर। अगला प्रश्न है कि 1,25,000 पदों की रचना किसने की? 1,25,000 पदों की रचना, 1,25,000 पदों की रचना किसने की? आपसे पूछा जाएगा कि 1,25,000 पदों की रचना किसने की? सूरदास ने की साहब। किसने की? सूरदास ने की। अगला प्रश्न क्या बनता है कि रेवाड़ी की लाल मस्जिद, रेवाड़ी की लाल मस्जिद, लाल नहीं साहब, रेड रेड मस्जिद किसके समकालीन, किसके काल में बनाई गई थी? रेवाड़ी की रेड मस्जिद किसके काल में बनाई गई थी? वो बनाई गई थी अकबर के काल में। सर, कब बनाई गई थी? 1570 में। कब? 1570 में। ठीक है सर। सर, रेड मस्जिद तो रेवाड़ी के अंदर है, ठीक बात है। ये बताओ लाल मस्जिद कहां पर है? लाल मस्जिद कहां पर है? ये रोहतक के अंदर है। ये रोहतक के अंदर है। दोनों प्रश्नों में फर्क है। अगर रेड पूछा जाए कि रेड मस्जिद कहां पर है, रेवाड़ी में है। अगर पूछा जाए लाल मस्जिद कहां पर है, और रोहतक के अंदर है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न देखो, यहां लिख देता हूं साहब। ठीक है सर, यहां लिख दो कि पानीपत का दूसरा युद्ध, सेकंड वॉर कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध या पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी साहब? वो हुई थी 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को हुई थी। ठीक है सर। किनके बीच हुई थी तो बताओ? किनके बीच? बैरम खां वर्सेज हेमू, जिसको हम हेमचंद्र भी बोलते हैं। बैरम खां अकबर का सेनापति था। ठीक है सर। पहले हम करते हैं कि बैरम खां किसका सेनापति था? अकबर का सेनापति था। बात खत्म। ठीक है सर। अब हम पढ़ते हैं हेमू के बारे में। हेमू के बारे में पढ़ते हैं कि रेवाड़ी में नमक का व्यापारी था। रेवाड़ी में नमक का व्यापारी कौन था? हेमू था, विक्रमादित्य था। हेमू को हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। हेमू को विक्रमादित्य ही बोलते हैं। इसको उपाधि मिली हुई थी विक्रमादित्य की। सर, उपाधि मिली हुई थी विक्रमादित्य की, ठीक बात है। ये बताओ कौन से नंबर की विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी हेमू को? 14वें नंबर की। 14वें नंबर की उपाधि मिली हुई थी विक्रमादित्य की। किसको? हेमू को। ठीक बात है। अगला प्रश्न है कि हेमू की हवेली कहां पर है? हवेली हेमू की हवेली कहां पर है? रेवाड़ी में है। कहां पर? हेमू की रेवाड़ी, हेमू की हवेली कहां पर है? रेवाड़ी में है। सर, इसकी हवेली रेवाड़ी के अंदर है। यह बताओ वो किस शैली में बनी हुई है?
किस शैली में बनी हुई है? पुर्तगाली शैली में बनी हुई है, पुर्तगाली शैली में बनी हुई है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि हेमू की हवेली रेवाड़ी के अंदर है, किस शैली में बनी हुई है? वो बनी हुई है पुर्तगाली शैली में। ठीक है, बात है सर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हेमू किसकी सेना में थे? हेमू किसकी सेना में थे? वो थे आदिल शाह की सेना में। आदिल शाह सूर की सेना में। आपसे पूछा जाएगा कि जो हेमू है ये किसकी सेना में थे या किसकी सेना में सेनापति थे? वो थे आदिल शाह सूर की सेना में। आदिल शाह सूर कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? ये था बिहार का शासक। कहाँ का शासक था? बिहार का शासक था। ठीक है सर, हेमू आदिल शाह की सेना में सेनापति था या सैनिक था? जो कहाँ का शासक था? बिहार का शासक था। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न देखो, बात है 1562 की। बात है 1562 में, 1562 में अकबर ने क्या किया था? क्या किया था साहब? और 1563 में क्या किया था? और 1564 में अकबर ने क्या किया था? ये डेट, ये तीन डेट है साहब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1562 में अकबर ने दास प्रथा को अंत कर दिया। दास प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है सर, 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। और 1563 में अकबर ने क्या कर दिया? क्या कर दिया साहब? वो कर दिया तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उस कर को खत्म कर दिया। और 1564 में अकबर ने क्या कर दिया? जजिया कर को समाप्त कर दिया साहब। जजिया कर को समाप्त कर दिया। कब? 1564 में किसने? अकबर ने। सर जजिया कर होता क्या है? जजिया कर का मतलब है गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया जाता था, जिसे कहते हैं जजिया कर। गैर मुसलमान का मतलब है जो लोग मुसलमान नहीं है उनको धर्म के नाम पर कर देना पड़ता था, उसको कहते हैं जजिया कर। और यह कर किसने समाप्त कर दिया? 1564 में अकबर ने समाप्त कर दिया। ठीक है सर, अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में कौन रहता था? अकबर के दरबार में बीरबल रहता था। बीरबल कहाँ का था? नारनौल का था। कहाँ का? नारनौल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। अकबर के दरबार में नौ रत्न रहते थे। आपसे पूछा जाएगा कि नौ रत्न किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर का दरबारी कवि कौन था? बीरबल था। कहाँ का था? नारनौल का था। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी, किस रोग के कारण? पेचिस रोग के कारण। ठीक है सर, अगला देखो, बैरम खां और वर्सेज हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। आपसे पूछा जाएगा कौन दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था? कौन था? वो हेमू था। विक्रमादित्य था, जो 14वीं विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है सर, इसके बाद कौन आता है? अकबर के बाद कौन राजा बनता है? वो बनता है जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। जहांगीर अकबर के बाद राजा बनता है। ठीक है सर, जहांगीर के बारे में करवाओ देखो। अगला है जहांगीर। ठीक है सर, प्रश्न है कि जहांगीर राजा कब बनता है? 1605 में बनता है। कब? 1605 में। अकबर की मृत्यु के बाद राजा बनेगा जहांगीर। 1605 में कब तक रहता है? 1627 तक रहता है। कब तक? 1627 तक रहता है। ठीक है सर, जहांगीर का नाम क्या था? सलीम था। अगर आपसे पूछा जाए किसका नाम सलीम था? जहांगीर का नाम सलीम था। ठीक है सर, अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने विधवा रानी से शादी की थी। उस रानी का नाम क्या था? मेहरुनिसा से शादी की थी। जहांगीर ने विधवा रानी मेहरुनिसा से शादी की थी, जिसका नाम क्या है? नूरजहां। जिसका दूसरा नाम क्या है?
नूर जहां, आपको पता है नूर जहां किसकी पत्नी थी, जहांगीर थी, विधवा रानी से शादी की थी। ठीक है सर, अगला है सिखों के पांचवें गुरु कौन थे। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, अर्जुन देव थे। अर्जुन देव को फांसी किसने दी, फांसी किसने दी, जहांगीर ने दी। अगर आपसे पूछा जाए सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। ठीक है सर, अगला प्रश्न है नूरजहां की माँ असमत बेगम, क्या नाम है, असमत बेगम है, असमत बेगम। नूरजहां की माँ का नाम क्या है, असमत बेगम है। प्रश्न ये बनता है गुलाब के फूल से इत्र निकालने की विधि किसको पता थी। गुलाब के फूल से इत्र किसने बनाया, इत्र का मतलब होता है परफ्यूम, सेंट, किसने बनाया, असमत बेगम ने बनाया। इसलिए गुलाब के फूल से इत्र बनाने की विधि की जन्मदाता हम किसे कहते हैं, असमत बेगम को कहते हैं। साहब किसे कहते हैं, असमत बेगम को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी, 1627 में हुई थी। कहां पर हुई थी, लाहौर में हुई थी। कहां पर, लाहौर में। जहांगीर की मृत्यु 1627 में कहां पर हुई थी, लाहौर में हुई थी। हरियाणा के एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा, एचएससी क्या प्रश्न पूछेगी, एचएससी प्रश्न ये पूछेगी किसके काल में या किस राजा ने या किस सुल्तान ने हरियाणा में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाए, वो किसने लगाए, जहांगीर ने लगाए। जहांगीर के टाइम पर हरियाणा में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए थे। साहब ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या बनता है, अगला राजा कौन बनता है, अगला राजा बनता है सांझा। अब हम पढ़ेंगे सांझा जो बहुत बड़ा प्रेमी था। ठीक है सर, अगला है सांझा। ठीक है सर, सांझा के बारे में करो। पहला प्रश्न है कि सांझा राजा कब बनता है, कब बनता है, 1627 में बनता है, कब तक रहता है, 1658 तक रहता है, कब तक, 1658 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सांझा की पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था। अर्जुमंद बानो बेगम। सांझा की पत्नी का नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम था। सर इसकी पत्नी का नाम तो मुमताज था, इसी का नाम तो मुमताज है, इसी का नाम तो मुमताज है, मुमताज महल इसकी पत्नी का नाम है, जिसको अर्जुन बंद बानो बेगम कहते हैं, मुमताज को कहते हैं। साहब ठीक है सर, अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, किसकी याद में, मुमताज की याद में, मुमताज महल की याद में। सर कब करवाया था, 1630 में। कब, 1630 में, और निर्माण पूरा कब हुआ, 1652 में। 1652 में 22 साल लग गए साहब, 22 साल लग गए ताजमहल को बनते हुए। पहले ताजमहल का नाम क्या नाम था, मुमताज महल था। बाद में मुमताज महल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, ताजमहल कर दिया गया। साहब ताजमहल की नींव 1630 में रखी गई और 1652 में ये कंप्लीट हो गया। ठीक है सर, अगला प्रश्न ये बनता है कि ताजमहल के ऊपर जो पत्थर लगा है, संगमरमर के पत्थर लगे हैं, वो कहाँ से लाए गए हैं, कहाँ से लाए गए हैं। मकराना से ताजमहल के पत्थर लाए गए हैं। मकराना कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है सर, हमें आपके बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ कि सांझा के कितने पुत्र थे। सांझा के चार पुत्र थे साहब, कितने, चार पुत्र थे, चार पुत्र। पहले का नाम क्या है, दारा सिकोहा है। ठीक है सर, दूसरे का नाम औरंगजेब है। अगले का नाम है मोहम्मद शाह है। चौथे का नाम क्या है, मुराद है। क्या नाम है, मुराद है। सांझा के ये चार पुत्र हुए, ये दो इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए, ये दो इम्पोर्टेंट है, इनसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इनसे नहीं बनते। ठीक है सर, हम करेंगे दारा सिकोहा और औरंगजेब के बारे में। पहले एक प्रश्न कर लेते हैं कि सांझा का असली नाम क्या था। सांझा का असली नाम क्या था, खुरम खां, खुरम था।
सांझा का असली नाम क्या था? खुरम था। हम खुरम किसे कहते हैं? सांझा को कहते हैं साहब। ठीक है सर, अब हम पढ़ेंगे दारा सिकोहा। देखो शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर में है, थानेसर में है। हरियाणा का ताजमहल हम किसे कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल हम किसे कहते हैं? शेख चिल्ली के मकबरे को कहते हैं। सर बनवाया किसने ये बनवाया किसने था? दारा सिकोहा ने। दारा सिकोहा ने क्या बनवाया था? शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया था, जिसे हम हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। ठीक है सर, अगला प्रश्न ये पूछा जाएगा, शेख चिल्ली का मकबरा किसके शासनकाल में बनवाया गया था? सांझा के शासनकाल में बनवाया था साहब। शेख चिल्ली का मकबरा सांझा के शासनकाल में बनवाया गया था, किसने बनवाया? दारा सिकोहा ने। शेख चिल्ली कौन था? शेख चिल्ली कौन था? दारा सिकोहा का गुरु था। बात सिंपल है, दारा सिकोहा के गुरु कौन थे? शेख चिल्ली थे। ठीक है सर, हमें इस बात का पता चल गया है। अब हम आगे करते हैं साहब औरंगजेब के बारे में। अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। ठीक है सर, औरंगजेब के बारे में बताओ। देखो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है सर, अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा को पांच भागों में किसने बांटा, पांच भागों में किसने बांटा? वो बांटा था अकबर ने। ठीक है सर, हमें पता है, आपने ना पिछली वीडियो में बताया था कि अकबर ने हरियाणा को पांच भागों में बांटा था। ठीक है सर, अब हम पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब, ठीक है सर, औरंगजेब के बारे में बताओ। औरंगजेब राजा कब बना? औरंगजेब राजा कब बना? 1658 में बना। 1658 में कब तक रहा? 1707 तक रहा। ठीक है सर, औरंगजेब की बीबी का नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम क्या था? बीबी का नाम क्या था? वो था रबिया बीबी। क्या नाम था? रबिया बीबी था, रबिया बीबी था। अगला प्रश्न ये बनता है, बीबी का मकबरा कहाँ पर है? बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद, सर औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत का ताजमहल हम किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का ताजमहल हम किसे कहते हैं? बीबी का मकबरा को कहते हैं साहब, जो कहां पर है? औरंगाबाद में है। बनवाया किसने? औरंगजेब ने बनवाया। किसकी याद में बनवाया? इसकी पत्नी, इसकी बीबी, रबिया बीबी की याद में बनवाया। कौन सा? बीबी का मकबरा। ठीक है सर, हमें अब की बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब वीणा वादक थे, औरंगजेब वीणा वादक थे, फिर भी ये संगीत विरोधी थे, फिर भी ये संगीत विरोधी थे। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा राजा संगीत के विरोध में था, संगीत विरोधी था, वो था औरंगजेब, और फिर भी ये वीणा वादक थे। वीणा वादक, अगर आपसे पूछा जाए वीणा कौन बजाते थे? औरंगजेब बजाते थे। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न देखो, औरंगजेब के समय पिंजौर का मुगल गार्डन किसने बनवाया? प्रश्न ये है कि औरंगजेब के समय पिंजौर का मुगल गार्डन किसने बनवाया? वो बनवाया फिदाई खान ने। किसके समय? औरंगजेब के समय। ठीक है सर, और इस मुगल गार्डन का पुनः निर्माण किसने करवाया साहब? वो करवाया यादवेंद्र ने। इसलिए हम इस मुगल गार्डन को क्या कहते हैं? यादवेंद्र गार्डन कहते हैं। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है कि औरंगजेब के समय पिंजौर का मुगल गार्डन फिदाई खान ने बनवाया था, और इस मुगल गार्डन का पुनः निर्माण यादवेंद्र ने करवाया था, इसलिए इस गार्डन को यादवेंद्र गार्डन भी बोलते हैं। और इस यादवेंद्र गार्डन में या मुगल गार्डन में 1992 से आम मेला का आयोजन होता है। आम मेले का आयोजन होता है, और महीने में जुलाई महीने में सिर्फ दो दिन लगता है। एक साल में जुलाई महीने में लगता है और दो दिन लगता है। कौन सा आम मेला कहाँ लगता है? मुगल गार्डन में, यादवेंद्र गार्डन में। 1992 से इस मेले की शुरुआत हुई थी। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, देखो अगला प्रश्न है कि जजिया कर
पुनः किसने लगाया, पुनः किसने लगाया, जज्जाकर को पुनः किसने लगाया 1679 में, 1679 में औरंगजेब ने लगाया जज्जाकर को पुनः। आपको पता है अकबर ने 1564 में जज्जाकर को हटा दिया था। हाँ जी पता है, अकबर ने 1564 में इस कर को हटा दिया था और औरंगजेब ने 1679 में वापस लगा दिया। ठीक है सर, अब आगे देखो जजिया कर के बारे में थोड़ा छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। ठीक है सर, देखो जजिया कर का मतलब क्या होता है, जजिया कर का मतलब होता है कि गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लिया जाता है साहब, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लिया जाता है। ठीक है सर, पहली बार भारत में जजिया कर किसने लागू किया, पहली बार भारत में जजिया कर किसने लागू किया, जजिया कर किसने लागू किया पहली बार भारत में, मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर को लागू किया। ठीक है सर, फिर किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार भारत में ब्राह्मणों पर भी लगाया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगाया। जब भारत में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लागू किया था उस टाइम पर ब्राह्मणों पर कोई कर नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जब जजिया कर को लगाया जब ब्राह्मणों के ऊपर भी लगाया। आपसे पूछा जाएगा किस शासक ने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर को लागू किया, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है सर, अगला प्रश्न है जजिया कर को समाप्त किसने किया, जजिया कर को समाप्त किसने किया, समाप्त किसने किया, वो किया अकबर ने, किसने किया अकबर ने 1564 में किया, 1564 में किया, अकबर ने रिटर्न में नहीं दिया, अकबर ने रिटर्न में नहीं दिया, इसने अपने आवाम को बोल दिया कि आज से जजिया कर को समाप्त कर दिया गया है, इतनी बात कही थी। लेकिन जब औरंगजेब आए, लेकिन जब औरंगजेब आए 1679 में तो पुनः कर लगा दिया, जजिया कर पुनः लगा दिया। जनता बोली, आवाम बोली कि साहब अकबर ने तो हटा दिया था जजिया कर को, आपने आप वापस क्यों लगा रहे हो। तो औरंगजेब बोलो, औरंगजेब बोले कि रिटर्न में दिखाओ, रिटर्न दिखाओ, कहां पर अकबर ने मोर लगा रखी है वो मोर दिखाओ। जनता बोली सर अकबर साहब ने तो मुझबानी बोला था, मौखिक बोला था कि जजिया कर को समाप्त कर दिया गया है। औरंगजेब बोले ऐसे नहीं चलता, ऐसे सरकार नहीं चलती। तो औरंगजेब ने पुनः लगा दिया, कब 1679 में जजिया कर को दोबारा लगा दिया, क्योंकि आपको पता है अकबर महान क्या थे, अनपढ़ थे, इसलिए इनको रिटर्न में लिखना आता नहीं था। मुजमानी बोल दिया कि जजिया कर समाप्त हो गया है, लेकिन मानता, लेकिन औरंगजेब ने इस बात को माना नहीं। ठीक है सर, अगला प्रश्न है कि जजिया कर को पुनः, जजिया कर को पूर्ण रूप से, जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किसने किया, पूर्ण रूप से जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किसने किया, बिल्कुल जड़ से समाप्त किसने किया, किसने किया 1720 में, किसने किया, मोहम्मद शाह रंगीला ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने, देखो साहब रंगीला, मोहम्मद साहब रंगीला ने जजिया कर को जड़ से खत्म कर दिया, कब 1720 में। आपसे पूछा जाएगा कि जजिया कर को पूरे तरीके से पूर्ण रूप से कितने, किसने समाप्त किया, किसने समाप्त किया, वो किया मोहम्मद साहब रंगीला ने। और पहली बार किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने, ब्राह्मणों के ऊपर भी किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने। अकबर ने समाप्त कब कर दिया 1564 में, औरंगजेब ने पुनः कब लगा दिया 1679 में। ठीक है सर, हमें आपके बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ठीक है सर, हमें इस बात का पता है, पहले हम इसको रफ कर देते हैं। देखो पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई साहब, 14 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। ठीक है सर, पानीपत में हुई। अगला प्रश्न ये बनता है किनके बीच हुई, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली
वर्सेज मराठों के बीच, अहमशाह अब्दाली कहाँ का था? अफगान का था, अफगान का शासक था। और मराठों के का सेनापति कौन था? मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिव बाऊ, सदाशिव बाऊ वही है जिन्हें थानेसर के महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सदाशिव बाऊ ने करवाया था साहब। किसने? सदाशिव बाऊ ने थानेसर के महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण, और निर्माण किसने करवाया था? उसे भूति ने। और पुनर्निर्माण किसने करवाया? सदाशिव बाऊ ने या राव ने। ठीक है सर, हमें आपके बात समझ में आ गई है। सर इनमें जीता कौन? अहमशाह अब्दाली में और मराठों में जीता कौन? कौन जीता? अहमशाह अब्दाली जीता। और आपको पता है 14 जनवरी से ही मराठा दिवस मनाया जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि मराठा दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है मराठा दिवस। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है कि अहमदशाह अब्दाली ने, जीते हुए प्रदेश किसको सौंप दिए? अहमदशाह अब्दाली ने जीते हुए प्रदेश किसको सौंप दिए? वो सौंप दिए जैन खां को, सौंप दिए। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है कि करनाल का युद्ध कब हुआ? करनाल का युद्ध कब हुआ? कब हुआ साहब? 24 फरवरी 1739 को, 1739 को साहब। देखो 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ। ठीक है सर, किन के बीच नादिर शाह वर्सेज मोहम्मद शाह रंगीला यही है। 1720 में जजिया कर को समाप्त किया था, कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला थे। और नादिर शाह वर्सेज मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था। कहाँ का? ईरान का शासक था। और जीता कौन इसमें? नादिर शाह जीते। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 में हुआ, जीता कौन? नादिर शाह जीते। ठीक है सर, प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से? प्रश्न ये बनेगा कि नादिर शाह भारत से क्या लूट कर ले गए? तख्ते ताउस और म्यूर सिंहासन को ही हम क्या कहते हैं? तख्ते ताउस कहते हैं। और कोई नूर हीरा आपसे पूछा जाएगा कौन सा शासक तख्ते ताउस म्यूर सिंहासन कोई नूर हीरा भारत से लूट कर ले गया? कौन लेकर गया? नादिर शाह लेकर गया। कहां का शासक था? ईरान का शासक था। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। क्या राजधानी है? तेहरान है। ठीक है सर, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि म्यूर सिंहासन पर या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तख्ते ताउस पर या म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? वो था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह थे जो म्यूर सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है कि म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक कौन था? म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक कौन था? पहला मुगल शासक कौन था? वो था शाहजहां। शाहजहां ने ही तो म्यूर सिंहासन तख्ते ताउस बनवाया था, और शाहजहां ही म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। और अंतिम कौन था? अंतिम था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है सर, हमें आपके बात समझ में आ गई है। हमारी क्लास आज यही खत्म होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए धन्यवाद।